सन 1759 अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद पर एक बार फिर एक साया नमूदार होने लगा, कहीं टूटता कहीं उभरता। लिबास काला था और चेहरा तांबे की तरह तमतमाया हुआ। ये था अफगानी लुटेरा अहमद शाह अब्दाली। ये पांचवीं बार था जब तबाही ढाने वाला उसका टिड्डी दल लश्कर हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था। इस बार रोहेला सरदार नजीबुद्दौला के बुलावे पर, जो अपने को कुछ बनाने के लिए इस मुल्क का सब कुछ बिगाड़ रहा था, उसने अब्दाली को अपने लश्कर की पेशकश की और उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। अब्दाली से टक्कर लेने और हिंदुस्तान की आबरू बचाने के लिए कोई हिंदुस्तानी ताकत तैयार नहीं थी, लेकिन मराठों की गैरत में लहर उठी। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने चचाजाद भाई सदाशिवराव भाऊ की कमान में 2,00,000 का लश्कर 800 कोस दूर पुणे से रवाना किया। सन 1761 में पानीपत के मैदान में अब्दाली और मराठा फौजें एक दूसरे से टकराई, घमासान का रण पड़ा। इस जंग से एक लहू लहान मराठे ने दूसरा जन्म लेकर अपनी जिंदगी का मकसद पूरा किया। उसने एक तरफ मराठों की दम तोड़ती ताकत में नई रूह फूंक दी और दूसरी तरफ उत्तरी हिंदुस्तान में अपना झंडा लहरा दिया। उस वीर का नाम था महादजी सिंधिया। चौदह जनवरी सन 1761, समय सुबह 9 बजे, पानीपत के मैदान में मराठा लश्कर भाऊ की कमान में और अब्दाली की फौजें आमने सामने डट जाती हैं। मराठा सिपहसालार अपने अपने मोर्चे संभाल लेते हैं। अब्दाली के कमादार बरखुरदार खां और शाह वली खां भी अपने अपने लश्कर के साथ तैयार रहते हैं। भाऊ ऐलाने जंग करते हुए अपने लश्कर को हमला करने का हुक्म देते हैं। सारा माहौल गुतारी और नक्कारों की आवाज से गूंज उठता है, लेकिन एक घंटे तक लगातार गोलाबारी करने के बावजूद जब अब्दाली के मोर्चे पर खामोशी छाई रहती है और उधर से जवाबी हमला नहीं होता तो भाऊ सोच में पड़ जाती है। उसी वक्त एक कासिद खबर लाता है कि अब्दाली ने हमला कर दिया है और तब देखते ही देखते दोनों फौजों के बीच घमासान की जंग छिड़ जाती है। दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। सारा माहौल तोपों की गरज, घोड़ों की टापों और तलवारों के टकराने की आवाज से लरज उठता है। इब्राहिम खान गार्दी की अचूक निशानेबाजी से बरखुरदार खां और शाह वली खां के मोर्चे टूट जाते हैं। अपने प्रमुख सरदारों के मोर्चे टूटने की खबर सुनकर अब्दाली गुस्से से आग बबूला हो जाता है। नजीब को अब्दाली का संदेश मिलता है कि वो होलकर और जानकोजी के मोर्चे तोड़ने की कोशिश करे। जब जानकोजी के मोर्चे पर बहुत दबाव पड़ता है तब वो होलकर को मदद के लिए संदेशा भेजते हैं। संदेशवाहक खबर लाता है कि होलकर अपना मोर्चा छोड़कर चले गए हैं तो जानकोजी दुश्मन पर अकेले ही टूट पड़ने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब विट्ठल शिवदेव और दामाजी गायकवाड अब्दाली के दस्ते को अपनी तरफ आते देखते हैं तो वो भाऊ की हुक्मजूरी करते हुए अपना मोर्चा छोड़कर उन पर टूट पड़ते हैं। रणनीति के अनुसार ये बहुत बड़ी गलती थी और जब इस बात की खबर गार्दी को मिलती है तो वो बेचैन होकर सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं इस गलती की वजह से ऐसा न हो कि हम जीती हुई बाजी हार जाएं। This
के दाएं कुमारों, बीच कुमारों। चलाओ! गाजी साहब मुबारक हो, फतेह मुबारक। क्या हुआ? खबर आई कि अब्दाली का जवाबी हमला बेकार हो गया और दाहिना मोर्चा भी टूट गया। हमारी मुबारकबाद सबको पहुंचा दो। जो सुबह से लड़ रहे हैं उनकी बदली करो, घायलों की मरहम पट्टी करवाओ और उन्हें पानी भिजवा दो। हम श्रीमंत सेनापति भाव से मिलकर आते हैं। जो हुकुम गार्दी साहब। मेरे मोर्चे पर दामाजी और विठल शिवदेव ने हुकुम उदूली की है। हम जमुना की ओर कैसे बढ़ेंगे? इब्राहिम खान, हमारे भाग्य में जमुना नहीं बल्कि पानीपत लिखा। श्रीमंत, मेरी आपसे इल्तजा है कि आप महारानी पार्वती और खास खास औरतों को लेकर मेरे मोर्चे से निकलकर जमुना की तरफ बढ़ जाइए। मेरा मोर्चा मजबूत है, मेरे तिलंगे सिपाही आपको दिल्ली की तरफ या जमुना पार करवा देंगे। ये लश्कर विश्वास राव और आपको छोड़कर हम अपनी जान बचा लें? ये जान नहीं, जंग का उसूल है। सेनापति रहता है तो लश्कर रहता है, और जब लश्कर रहता है तो और कहीं जमकर लड़ा जा सकता है। आप मेरे मोर्चे से निकल जाइए, मैं मोर्चे को संभालता हूँ। इब्राहिम खान, हम आपकी बात को समझते हैं पर मानेंगे नहीं। विश्वास राव को पेशवाजी महाराज ने हमें सौंपा, आप उन्हें मुझे सौंप दीजिए। हलफ उठाता हूं कि उनकी ढाल और जरा बख्तर मैं बनूंगा, मुझसे पहले उन्हें कुछ नहीं होगा। और हमसे पहले आपको कुछ नहीं होगा। याद है इब्राहिम खान, हमने आपको वचन दिया कि हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ नहीं होगा भाऊ, मुझे आपका वचन नहीं, आपकी जिंदगी चाहिए, आपकी जीत चाहिए। आज नहीं तो कल, परसों, जब भी। और ये तभी मुमकिन है भाऊ, जब आप अपनी जिंदगी तब तक बचा के रखें जब तक पेशवाजी महाराज का लश्कर यहाँ नहीं आ जाता। इब्राहिम खान, हमें पेशवाजी महाराज के लश्कर के सपने ना दिखाए, उनके इंतजार में हमला न करके हमने अपने लश्कर को भूखा मारा।
जिन स्त्रियों और लश्कर के साथ आए हजारों लोगों को बचाने के लिए हमारे अपनों ने हमें कायर, कमजोर और बुजदिल तक समझा। उन्हें अफगानों के हाथों बेआबरू होने, कटने और बिकने के लिए छोड़कर हम अपनी जान नहीं बचाए। सिपाही के लिए ना अपनी जान अजीज होती है ना दूसरों की, उसके लिए एक ही जान अजीज होती है और वो है सेनापति की। और सेनापति को दोनों अजीज होती है, सिपाहियों की जान भी और अपनी आन भी। इब्राहिम खान, आपने अपना धर्म निभाया, हमें अपना धर्म निभाने दीजिए। बाला जनार्दन जी, श्रीमत जानकोजी सिंधिया खतरे में है, उनका मोर्चा टूट रहा है। तुम फौरन महात्मा को जाकर यह खबर दो कि वो अपने लश्कर के साथ जानकोजी की मदद के लिए वहां पहुंचे। जी श्रीमत। विश्वास राव का आदेश लेकर आया हूं। कहो। जानकोजी सिंधिया के मोर्चे की हालत बड़ी नाजुक है, आप तुरंत मदद के लिए पहुंचे। जानकोजी, मेरे भाई, श्रीमद विश्वास राव का हुक्म सराखों पर, लेकिन मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि श्रीमद सदाशिव राव भाव का मुझे हुक्म है कि मैं यहां से हटूं। मैं अपने भाई के खातिर अपने सेनापति की आज्ञा ना मानूं, ये नहीं हो सकता महात्मा, ये नहीं हो सकता। चलो Thank you.
चलाओ। से जानता बड़ा मराठा है ये जानको जी सिंधिया रानो जी सिंधिया का बेटा। जिंदा रखो इसे, जिंदा रखने का इनाम मिलेगा, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, लाखों अपने सरदार सिपा सालार बरखुदा खा के पास ले चलो इसे। अतर खां को पैगाम दो, 2000 का लश्कर लेकर बरखुरदार की मदद को जाए। जी शाह बाबा। शाह बाबा, हर मोर्चे से अच्छी खबर है, मराठे हार रहे हैं, भाग रहे हैं, सुना है जान को जी मारे गए। ओए मरहबा मरहबा। वजीर खां को हुक्म देना अपना लश्कर बढ़ाए और विश्वसराव के मोर्चे पर दबाव डाले। जी शाह बाबा। डाटो पपरने you
बाबा मुबारक हो, विश्वास राव और भाव मारे गए। खूब, बहुत खूब। साहब, एक बुरी खबर है। एक बुरी खबर लाया हूं। क्या हुआ? श्रीमंत भाऊ शत्रुओं के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। Yeah.
कमान कौन संभालता है? विश्वास राव कहाँ है? अब वो भी नहीं रहे। विश्वास राव मारे गए। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, मैदान मत छोड़ो, रुको, कुछ नहीं हुआ। अरे मैं हूँ, मैं बाढ़ जी आए, टुको जी आए, जनार्दन आए, सभी हैं। अरे इस तरह से मैदान छोड़कर मत भागो। अरे हमारा तोप खाना भी है, आओ वापस, रुक जाओ, उस दिनों की तरह मत भागो। सदाशिव राव की सरफरोशी से भी इन सिपाहियों ने क्यों कुछ नहीं सीखा और अपनी तकदीर का फैसला क्यों खुद तय कर लिया? ये लोग क्यों नहीं समझते कि मैदान जंग में भागने की बजाय अपने सर को वतन के लिए कटाने से उनका सर और बुलंद हो सकता है? ये लोग क्यों नहीं समझते? ये लोग क्यों नहीं समझते? महात्मा, एक बहुत बुरी खबर है। क्या?
तुगो जी महाराज, क्या हुआ? उन्हें क्या हुआ? भाऊ दुश्मनों से घिर गए थे और वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े कि दुश्मनों ने उन्हें पहचान लिया और बस उन पर टूट पड़े। मगर हुआ क्या? पकड़े गए? घायल हो गए? वीर गति को प्राप्त हुए। क्या? नहीं, तुको जी, मेरे भाई, पहले जान को जी, पर अब तुम रणभूमि की कोई खबर? जी नहीं। चलिए मेरे साथ। उन्होंने कोई संदेशा भेजा है मेरे लिए? वक्त बहुत कम है, आप जल्दी से निकल चलिए। मल्हार भाव, ये मत समझिए कि किसी बुरी खबर से हम पर पहाड़ टूट पड़ेगा। हम मराठा औरतों का कलेजा लोहे का होता है। अपने मर्दों के साथ युद्ध पर जाना तो हमारी परंपरा रही है। हम सब कुछ सह सकती हैं। आप बताइए बात क्या है? पार्वती बाई ने आपसे रणभूमि की खबर पूछी है। होकर काका, आप मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? बेटी, न तुम्हारे पास इन सवालों के लिए वक्त है और न मेरे पास जवाब। भाव ने मेरे जिम्मे एक फर्ज किया था कि मैं मराठा औरतों को सुरक्षा के साथ रणभूमि से निकाल कर ले चलूं।
आप मुझे अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। चलिए मेरे साथ। प्रणाम महाराज। प्रणाम। हमें आपका संदेश मिल गया था कि आप पधार रहे हैं। हम महाराज सूरजमल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मेरे साथ पार्वती भाई, चिमना भाई, मैना भाई और दूसरे मराठा सरदारों की स्त्रियां हैं जो मराठा सल्तनत की आबरू हैं। जब तक कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं होता, ये सब महाराज सूरजमल के पास मराठों की अमानत रहेगी। आप निश्चिंत रहिए, आपकी अमानत से हमारी आन बढ़ेगी। ये सभी महारानी पद्मिनी देवी की खास मेहमान होंगी और आप महाराज सूरजमल के मेहमान होंगे। जी नहीं, उन्हें हमारी तरफ से धन्यवाद कहिए। हमारा फर्ज पूरा हो गया। हम इंदौर की तरफ रवाना होंगे। या मेरे मौला,
ये क्या हो गया रे सिंगिया? देखते देखते मराठों का लश्कर कट गया? ये सब कैसे हुआ? कुछ समझ में नहीं आता। भाव मारे गए, विश्वास राव मारे गए, बड़े बड़े सरदार मारे गए, कोई भी नहीं बचा। अब मैं किसे पानी पिलाऊं? किसे पानी पिलाऊं? या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? ये सब सिंधिया जी है ना? कितने जख्मी हो गए हैं आप, लगता है बड़ी बहादुरी से लड़े हैं आप। मैं राने खान हूं, मराठा लश्कर में भिश्ती जख्मियों को पानी पिलाता हूं। अल्लाह रहम करे, कितना खून बह रहा है। उफ। सुनो, मेरी मदद करो, मुझे यहां से ले चलो, मेरी मदद करो। ले चलो, लेकिन कहां? किसी सुरक्षित जगह पर। मैं तुमको चार अशर्फियां दूंगा। सेनापति जी, मैं चार अशर्फियां लेकर क्या करूंगा? मैंने तो जिंदगी में कभी एक अशर्फी भी नहीं देखी। मैं क्या करूंगा? हां, आपकी जान बच जाए, मैं समझूंगा मुझे दुनिया की दौलत मिल गई और अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। मैं तुम्हें चार अशर्फियां जरूर दूंगा। मुझे यहां से ले चलो, मुझे यहां से ले चलो। नहीं, नहीं, आप उसकी मैं आपकी मदद करूंगा। आप इत्मीनान रखिए, आप लेटिए, धीरे संभल कर। आप इत्मीनान रखिए, मेरी टांग, अभी आया मैं। मेरी टांग, मेरी टांग, मेरी टांग, मेरी टांग। ये क्या? ये सही है।
हमराई मौज जंग निकली है हमराई मौज जंग निकली है आले कदत में फामोम आले बचे खूक खिंजीर हमराई शेराई अफगान मुकाबला मिकनी आले बचे दिल दागा शहंशाह मुबारक हो शहंशाह ये जरी पट्टा पेशवा का ये झंडा सिंधिया का दामाजी गायकवाड़ विठल शिवदेव अंताजी मानकेश्वर तमाम 27 सरदारों के झंडे हमारे पास मौजूद हैं बाबा 12,000 औरत हमारे हाथ आया शाह बाबा आपको ये जानकर बहुत खुशी होगा कि इस जंग में 1,00,000 मराठा सिपाही मारा गया 1,00,000 शाह बाबा हमने 30,000 मराठा सिपाहियों को कैदी बना दिया मरहबा मरहबा
लेकिन अफगान जाने नुकसान कितना? सिर्फ 5,000। लेकिन शहंशाह, मेरे करीब 15,000 सिपाही मारे गए। शाह बाबा, 700 हाथी हमको मिला, वो देखिए उनमें जवाहर गज भी है। वल्ला, क्या फील है? शहंशाह, आपको याद होगा दत्ताजी सिंधिया का हाथी जो कुंजपुरा में हमारे हाथ से निकल गया था, ये वही है। पूरे हिंदुस्तान में इसका कोई सानी नहीं। बेशक बेशक, हम इसे काबू ले जाएगा। बरखुदार जी, इसका मुकम्मल एहतियात बेहतरीन किस्सा, हमारा पसंदीदा फील। जो हुकुम शाह बाबा। शाह, आपके लिए बेहतरीन तोहफा। विश्वास राव, पेशवा का फर्जंद। वल्ला, क्या हसीन जमील खुपड़ू, मौत में भी क्या तहदारी, क्या जलाल और जमाल। आप चाहें तो बतौर तोहफा इसे आपके साथ भेज दिया जाए। हमारे मगर कुदरत का ये मुर्ता शाहकार कैसे रहेगा? जैसे शेर चीते हाथी रहते हैं, इसमें भूस भरवा दिया जाएगा। एहतियात, वरना हमें नहीं चाहिए। इत्मीनान रखिए शहंशाह, मेरे कीमियागर और जर्रे वो कमाल दिखाएंगे कि अफगानिस्तान का हर बंदा आशश करेगा। और किसी मराठा सरदार खलाश मिला? तलाश जारी है शहंशाह। माफ कीजिए शहंशाह, तलाश जारी रहेगी और लाशें मिलती रहेंगी, मगर मुर्दा जानवरों की तरह इंसानी लाशों में घुस भर कर रखना ना इंसानियत में जायज है ना इस्लाम में। शुजाउद्दौला बरहक। यही है वो मगरूर, इसने आपकी दोस्ती का हाथ ठुकराया। मेरे कासिद को इसने तोप के दहाने से बांध कर उड़ाया। आपके लश्कर को इसने गोलाबारी का निशाना बनाया। यही है वो मगरूर इब्राहिम खां गार्दी। शाह बाबा, हमारे दुरानी लश्कर को सबसे ज्यादा नुकसान इस पतल लानत गार्दी का बच्चा, इसके तलंगी लश्कर, इसके तोपखाना और घोड़ सवारों ने पहुंचाया है। हमारे कदमों में
और राम का बच्चा पठान होकर पठान से जंग किया। मैं हलाल का बच्चा हूँ क्योंकि नमक और जमीन का हक अदा करता हूँ और उससे जंग करता हूँ जो मेरे घर पर हमला करता है। शाह, लड़ाई का मंसूबा इसने बनाया, पेशवा ने इस पर भरोसा किया और कुंजपुरा का किला इसकी गोलाबारी से गिरा है। कबूल है और फख्र के साथ कबूल है। तुम फख्र करता, निजाम का नौकरी छोड़ता, ब्राह्मीण पेशवा का गुलाम बनता, कैसा मुसलमान है तुम? अपने मुल्क का मुसलमान, अपने मुल्क को बचाने वाले लश्कर का सालार, उस ब्राह्मण सेनापति का कमांडर जिसने आपकी तरह एक पठान का सर अपने कदमों में नहीं झुकवाया। जंग की आखिरी घड़ी में मेरा सर कबूल करने के बजाय मेरे इस सर के बदले उसने अपना सर कटवाया। ऐसा सेनापति गुलाम नहीं बनाता बल्कि गुलाम बनाने से रोकता है। आपके और उसके हाथ के बीच में मुझे आज भी चुनना हो तो मैं आज भी उसके हाथ पर बयत करूंगा। फिर तू पठान नहीं, तुझ में पठान का नुक्फा नहीं। पठान हम मजहब का दुश्मन ही होता। वो होता जैसे ये है और आप हैं जिन्होंने मुसलमानों को खून और खाक में नहलाया। मुझ में पठान का नुत्फा है मगर उस पठान का नहीं जो बिकता है और बेचता है, लुटता है और लूटता है। पठान हो या कोई भी हो, जो अपने मुल्क को बेच देता है वो अपने मिल्लत और मजहब को बेच देता है क्योंकि उसका नसीब अपने मुल्क के नसीब से जुड़ा होता है। जब मुल्क नहीं रहता तो आदमी दूसरे के दर का कुत्ता बन जाता है क्योंकि मुल्क नहीं तो आजादी नहीं, आजादी नहीं तो इज्जत नहीं, अपनी नजर में नहीं और दूसरों की नजरों में भी नहीं। इसका सर कलम कीजिए शाह, ये क्या कहता है, अनाप शनाप बकता है। तुमको एक मौका और देता, तौबा करता, माफी मांगता, हमारे साथ काबुल चलता। काबुल वो चलता जो वतन होते हुए भी बेवतन होता, माफी वो मांगता जिसने गलती की होती, तौबा वो करता जिसका चेहरा तो इंसान का मगर आमाल शैतान के होते। तेरी इन तीनों बातों का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है।
ये था वतन परस्ती का इनाम और करेगा वतन परस्ती। हाँ, 100 बार जीऊंगा तो 100 बार वतन ही के लिए मरूंगा। मैं मंसूर शाह बाबा के दर्शन के लिए आई हूँ। अच्छा अच्छा, अल्लाह पीरो मुर्शिद, महाज जी सिंधिया की बाई साहिबा जमुना बाई आपके दर्शन के लिए तशरीफ लाई हैं। भेज दो जी। अच्छा, जाइए बाई साहिबा। बैठो बेटा। बेटा, मौला का दरबार है ये, यहां कोई भी बशर आ सकता है बिना पूछे, हर एक की सुनी जाती है यहां। बाबा, पिछली बार जब मैं आपके दर्शन को आई थी तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, विश्वास दिलाया था कि मेरे पति सलामत लौटेंगे और अपने परिवार से आ मिलेंगे। मैंने भी वादा किया था कि उन्हें मैं आपके दर्शन कराने लाऊंगी। हमें याद है बाबा, सबकी स्त्रियां साथ गई हैं, मैं यहां हूं, वो अकेले हैं। वो अकेला नहीं है मेरे बेटे, खुदावंद ताला की रहमत उसके साथ है और तू सुहागन है, तेरे माथे पे तेरा सुहाग चमक रहा है, क्यों फिक्रमंद होती है तू? बाबा, वो आ तो जाएंगे ना। तू आएगी और वो तेरे साथ आएगा, हम साफ देख रहे हैं। बाबा, मैं उन्हें अपने साथ लेकर आपके पास आऊंगी, आपके चरण छूंगी, मजार पर चादर चढ़ाऊंगी। बाबा,
मेरे सिर पे अपना हाथ रख के कहिए कि वो सारे बुरे सपने सब झूठे हैं जो आजकल मुझे आते हैं। नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं कह सकते। हम उसकी रहमत, उसकी कुदरत पर शक नहीं कर सकते। वो जो दिखाता है वही होता है, और जो तुम्हारे साथ होने वाला है बेटा, वो हम देख रहे हैं। तुम्हारा पति है, वो जहां भी है तुम्हारे पास आएगा। बेटा, यहां से महादेव के मंदिर में जाना, बैल सवारी है उनकी। तेरे पति को महादेव अपनी सवारी में। जा बेटा, जा। तुमने इधर से किसी मराठा सरदार को जाते हुए देखा? नहीं नहीं अफगान बहादुर, मैंने किसी सरदार को नहीं देखा। पीछे कुछ पालकियों में औरतें देखी जो जेवरात और मोतियों से लदी हुई थी, जिन्हें मराठी सिपाही ले जा रहे थे। तुम सच बोलता है? खुदा की कसम मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने उन्हें उधर को जाते हुए देखा। उधर भगा दिया। तुमने खुदा की कसम खाई, झूठी। महाराज, उसके बनाए हुए इंसानों की जो जान बचाता है उसे खुदा भी माफ कर देता है। इन जैसे बुरे आदमी से बचने के लिए कुछ नेक दिल इंसानों ने गुफा में पनाह ली थी, और मकड़ी ने गुफा पे जाल तान दिया था महाराज, और वो जाल गिरगिट ने काट दिया था और उन्हें पकड़वा दिया था। इसलिए महाराज, मकड़ी को नहीं मारते, गिरगिट को मारते हैं। महाराज महाराज, अब हमें यहां से फौरन चलना चाहिए, एक दिन का रास्ता और पड़ा हुआ है। चलो जी, चलिए महाराज, चलो। चल बेटा, चल चल चल, आज चल आज। I'm a club.
जी महाराज। देखो कोई अपना आदमी लगता है, ब्राह्मण है, मुंडा सर, उसे बुलाओ। जी अरे भाई सुनो, अरे रुको। डर कर भाग गया महाराज। भाग गया जी? उसके पास कपड़े भी नहीं है, ठंड से मर जाएगा बेचारा। महाराज जिसका रिस्क बाकी है वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा महाराज जी। चल बेटा जिंगिया, हमें भी ले चल जहां हमारा रिस्क बाकी है। चल बेटा चल। शाह बाबा, नवाब शुजाउद्दौला आपसे मिलने आ रहे हैं। सलाम अलैकुम शहंशाह। वालेकुम सलाम, क्या बात है नवाब शुजाउद्दौला? आपसे कुछ अर्ज करना है। अंदर चलो। शुक्रिया। अर्ज करता क्या? शहंशाह, खुदा के फजल से जंग में आपको फतह नसीब हुई। जकात के तौर पर मैं कुछ मांगता हूं। क्या? सदाशिवराव भाव, विश्वासराव और दूसरे मराठा सरदारों की लाशें। तुम लाशें मांगता मराठों की? शहंशाह, मुहर्रम में हम नौहा पढ़ते हैं कि करबला के शहीदों का कफन दफन रसूमात के मुताबिक ना हो सका। मराठा सरदारों की आखिरी रस्में मैं उनके रसूमात के मुताबिक करना चाहता हूं। तुम करबला के शहीदों को उनसे मिलाता? मैदान जंग में लड़कर जो भी मरता है वो शहीद हो जाता है। नहीं, काफिर शहीद नहीं। मेरे सिपा सलार बेनी प्रसाद, अनूप सिंह और फिदा अली भी इस जंग में लड़े। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो वो शहीद ना होते? उनकी आखिरी रसूमात उनके मजहब के मुताबिक ना करने देते शहंशाह? वो हमारी तरफ से लड़ा, मराठा हमारा दुश्मन, हिंदू काफिर। हिंदू काफिर नहीं है शहंशाह। कुरान पाक में हिंदुओं को नहीं, कुछ और मजाहिब के लोगों को काफिर कहा गया है। तुम मुसलमान होकर हिंदू के लिए बोलता? शहंशाह, पैदा होने के वक्त और मर जाने के बाद सब इंसान एक होते हैं, सबको कफन दफन की जरूरत होती है। यह कुरान शरीफ में भी कहा गया है और दूसरी मजहबी किताबों में भी। बच्चे और लाश की बेगुरमती करना ना बहादुरी है ना उसका काम जिसे इंसान कहा गया है। तुम अपना हमवतन की लाश का कितना कीमत देगा? एक लाख? नहीं, 3 लाख।
कबूल है, मगर यह कीमत उन लाशों की होगी जिन्हें हम ले जाकर जलाना चाहते हैं। ले जा सकता है। शुक्रिया शहंशाह कि आपने सर उठाने के काबिल रहने दिया, क्योंकि हमारे मुल्क में मैयत किसी की भी उठे, कहीं से भी गुजरे, सर सब झुकाते हैं। काशीराज जी, जन्नत नशीं सदाशिव राव भाऊ ने जो आपसे कहा और जो आपने मुझसे कहा, खुदा ने सुन ली, शहंशाह मान गए। मराठों की बात नहीं है, अब हम अपनी रियाया और अपनी वालिदा मोहतरमा को मुंह दिखा सकेंगे। आप बेनी प्रसाद और अनूप सिंह को ले जाकर क्रियाकर्म के लिए जितने भी लाशों को पहचान सकते हैं पहचान लीजिए। जी बेहतर है। अब्दाली को 300,000 रुपया दे दीजिए। लाशों को पहचान कर जो भी हो, घी, संदल, गंगाजल, पंडित पुजारी, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही कीजिए जैसा कि श्रीमंत पेशवाजी खुद करते। नवाब साहब, आपने हक अदा कर दिया, सबके गिले शिकवे धो दिए। खुदा परमात्मा सबको यहां की मिट्टी और यहां के लोगों का आदर करना सिखा दे। Thank you.
ओए तुम, हाँ तुम इधर आ। तुम जानकोजी सिंधिया मराठा सरदार? हमारे साथ चलो। हमें कहां ले जा रहे हो? अपने सरदार बरखुर्दा खां के पास। बाकी सब पर गोली मार दो। ठहरो, इन्हें मत मारो, इन्हें भी साथ ले चलो, वरना वरना मुझे भी इनके साथ गोली मार दो। तमी जानको जी सिंधिया, क्या हुआ, जख्मी हो गए? अरे हाथ में गोली लग गया, बहुत तकलीफ हो रहा है। हा? तकलीफ तो हमें इस बात की है कि तुम हमारे सिपाहियों का खून कर रहे हो जबकि वो हथियार डाल चुके हैं। तुम अपनी बात करो, जिंदा रहना चाहते हो या नहीं? हां, लेकिन अगर मेरी जान लेकर तुम उन सिपाहियों को रिहा कर सकते हो तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं। हम हारे हुए सिपाहियों पर वार नहीं करते। हम हारे हुए सिपाहियों को खत्म कर देते हैं और उसे बेच देते हैं। ये हमारा उसूल है, समझे? हमें बेचोगे? जानको जी सिंधिया हो तुम, सिंधिया खानदान और पेशवा की सिपाहियों का सालार। अगर शुजाओ दौला मरे हुए सरदारों की लाशों को जलाने के खातिर शाह बाबा को 300,000 दे सकता है तो कोई भी आपको मुझसे जिंदा खरीदने के खातिर यानी जानको जी को 10,00,000 देगा जरूर। जब शुजाऊ दौलत दे सकता है, शाह बाबा ले सकता है, तो हम क्यों नहीं ले सकता है? हा? अपने शाह से गद्दारी करोगे? अब तेरे की। अरे बाबा, वो लूटने को आता है, हमें भी लूटने को आता है, इसमें गद्दारी का क्या बात है? हा? तुम्हारी पंदारी सिपाहियों में अफगान है, वो तुम्हारी खातिर जंग करता है क्योंकि तुम पैसा देता है। पैसा? हमारे शाह बाबा हमको पैसा नहीं देता है, इसलिए हम लूटता है, लूटता है। देख, हम तुमको चुपचाप बेच देगा, पैसा बनाएगा पैसा, और चुपचाप अपने काबुल जान वापस चला जाएगा। है कोई जो तुमको खरीद ले? मुझे बताओ, मैं कौल देता हूं कि तुमको जिंदा उसके हवाले कर दूंगा। सिपाही, सरदार को हमारे खास खैमे में ले जाकर छुपा दो, इसका अच्छी तरह खातिरदारी और तेमारदारी कर देना, इसको किशमिश पलाओ,
पिस्ता बादाम और जलगोजा खिला देना। तशरीफ ले जाइए। सुनो, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, समझे? शहंशाह, आपसे तन्हाई में बात करना चाहता हूं। जरूर जरूर जाओ। बेहद खुश है। अच्छा, बोल सकता तुम उस जंखा मुकुल दरबार के अंदाज में? बोलो। राजान की अमान शहंशाह, सुना है आपके सिपाह सालार बरखुदर खान ने एक मराठा सरदार को पनाह दे रखी है। मुमकिन? हमारा सिपाह सालार हमारा हमवतन हमारे साथ खदारी नहीं कर सकता। शैतान है तुम्हारा काम भर। नहीं शहंशाह, मेरे मुखबिर ने अपनी आंख से देखा है, वो हलफ उठाने को तैयार है। और आपको यकीन ना हो तो आप उनके खेमे की तलाशी ले लीजिए। हम तलाशी तब लेगा जब उस मराठा सरदार का नाम बताएगा। जानकोजी सिंधिया, रानोजी सिंधिया का बेटा। शहंशाह, आपने देखा सब सरदारों के सर आपके पास गए, लेकिन सिर्फ उसका नहीं। कैसे मुमकिन? बरखुरदार खां दुश्मन के सरदार जानकोजी सिंधिया को पनाह दे? शहंशाह, बात पनाह की नहीं है, बात बेचने की है। दुश्मन का माल गनीमत हर तरफ बेचा जा रहा है। आपके सिपाही हाथी घोड़े गुलाम सब बेच रहे हैं, वो सब बिक रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपने लश्कर को तनख्वाह देने के लिए जानकोजी को बेचना चाह रहे हूं। लेकिन आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं उनके खेमे की तलाशी ले लूं। नहीं, हमारे सालार का तलाशी गैर मुल्की नहीं ले सकता। ये इख्तियार तुम्हें नहीं, हम खुद दरियाफ्त करेगा। मुमकिन हो सकता है वो हो, पर बखुरदा ना बह जानता हो। शहंशाह ने बजा फरमाया, मुमकिन है वो ना पहचानता हो, उसको इल्मी ना हो, मुमकिन है। खुदाए पामान। खुदाए पामान। बरखुरदा खान साहब, आपको शाह बाबा ने बुलाया है। शाह बाबा, हमारे कब्जे में 5,000 कैदी है और आपके हुक्म के मुताबिक कल सुबह सबको यहां से 2 कोस के फासले पर ले जाकर कत्ल कर दिया जाएगा। अगर उनमें कोई मामूली सा सरदार है तो मुझे कैसे इल्म हो सकता है? मामूली नहीं, जानकोजी सिंधिया है वो। जानकोजी सिंधिया? नहीं 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 शाह बाबा, ऐसा कोई सरदार मेरी हिरासत में नहीं है। जिसने आपको ये खबर दी है वो इल्जाम नहीं लगा रहा है, बल्कि वो साजिश कर रहा है। शाह बाबा, साजिश मुझे आपकी नजरों में गिराने की। शाह बाबा, या शायद हो सकता है वो आपकी नजरों में खुद को बुलंद करने की। अगर आपका हुक्म हो शाह बाबा, मैं सब कैदियों को आपके हुजूर में पेश कर सकता हूं। जरूरत नहीं, महज बात साफ करना चाहता। मराठा सिपाहियों का कत्ल शाह वली खां और नजीब खां की मौजूदगी में होगा, वो पहचान लेगा। शाह वली खां तस्दीक करेगा, उसे हमारे सामने पेश करेगा। आपका हुक्म बसर चश्म शाह बाबा। Thank you.
क्या हुआ सालर? किसी ने शिकायत की है हमारा शिकायत कि हमने एक बड़ा मराठा सरदार को छुपा कर रखा है और उसे शुजाओ दौले या मराठा को बेचकर बड़ा रकम हासिल करना चाहता है। हम कौन हो सकता है ये मादर बखता? उस नजीब का अकेला वो और कौन हो सकता है? वो शाह की नजरों में चढ़ना चाहता है। शाह काबुल जाने वाला है। नजीब खां वफादारी का तमगा लगाकर पंजाब के साथ साथ मुगल सल्तनत का वजीर बनना चाहते हैं। इस जंग में हमको क्या मिला है? जो मिलेगा उस रोहिले को मिलेगा। हमारे खिलाफ जाकर शाह को हमारे सिपे सालार के खिलाफ भड़का कर जो शुजाओ दौला का हरीफ होते हुए भी शुजाओ दौला को शाह के पास ला सकता है, जो मराठों के साथ जंग करते हुए भी होलकर को अपनी जेब में रख सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। यह अब सही है, उसने बड़े बड़े मराठा सरदारों की औरतों को सलामती से अपने मोर्चे से निकाल दिया है। औरतों को? कौन कहता है कौन? नजीब के रोयले सिपाही अब हमारे सिपाहियों से जंग में पकड़ी गई औरतों को खरीद रही है। कहते हैं किसी मराठा औरत को हाथ नहीं लगाया जाए, उनके जानी नुकसान भी कम हुआ है क्योंकि होलकर का लश्कर ने उनका ऊपर हमला नहीं किया। ये बात शाह के कानों तक पहुंच जाए तो दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। शाह वली खान, अमीर बेग खान, शाह पसंद खान इस सिलसिले में आपका साथ मदद कर सकते हैं। अगर आप उनके जेन में ये बात बिठा दें। आफरीन शाबाश, आफरीन। मराठों को शिकस्त फाश दिया, उनका इतना बड़ा लश्कर दे दिया लूटने के वास्ते, और हमारा नमक हराम लश्कर हमसे तंखा मांगता? हमारा लश्कर का लालच इतना बढ़ गया? वजह फरमाते हैं शाह बाबा, मगर हकीकत तो यह है कि लश्कर तो लश्कर, शाही खजाने के लिए भी कुछ नहीं मिला इस जंग से। मिजाज लगाया हर चीज का शाह, इलाका बढ़ा, वकार बढ़ा, लेकिन लड़ाई की मुद्दत बढ़ जाने की वजह से जंग का खर्च भी तो बढ़ा, और मराठों से जो कुछ भी मिला आपके सामने पेश कर दिया गया था शाह। उनका इतना औरत था, बड़े सरदारों की औरतें निकल गईं, दूसरी औरतों के पास जो मामूली था कुछ मिला, बाकी पानीपत के बाशिंदों ने लूट लिया। शाह बाबा, कैसे निकला बड़े सरदारों की औरत? किसने जाने दिया? शाह, सुना है होलकर के कहने पे नजीब खान ने अपने मोर्चे से निकलने दिया। हो सकता औरतों से रिश्वत ली हो, उनके पास इतना गौरव जवाहरात और जेवरात थे। यार, हमको इश्तियाल देता कि शुजाउदौला मराठा लाशों को खरीदता, खुद यार कमाल उनकी औरतों को निकलने देता। शाह बाबा, रोहिला सिपाही अफगान सिपाहियों को लूटता है, जंग में पकड़ा हाथी घोड़ा औरत पांच पांच दस दस रुपए में खरीदता है, आगे बेचता है, खुद अमीर होता है, और हमारा लश्कर गरीब इसीलिए तनख्वाह मांगता। हम कहां से देगा? आप क्यों देंगे शाह? वो देगा जिसे इस जंग से फैज पहुंचा। आप जब वापस जाएंगे तो ये इलाके किसी को सौंप कर ही जाएंगे ना। तुम जंग के खर्च का मिजान लगाओ, हम वसूल करेगा। जी शाह बाबा।
रहो जरा। गुफ्तम वॉश को नहीं बिकाने। ये क्या हो रहा है? तुम्हारा कब्र खोदा जा रहा है, तुम्हें जिंदा दफना दिया जाएगा। तुम्हारा मुल्क का लोग गद्दार, तुम्हारे बारे में शाह को खबर किया, तुमको दफन नहीं किया तो हमारा सालार दफन होगा, इसलिए तुम्हें दफन किया जाएगा। हमारा सालार मजबूर है। तुम्हारा कोई आखिरी ख्वाहिश? हम मरने के लिए तैयार हैं। हमारे कपड़ों के साथ हमारी पगड़ी है, वो हमें ला दी जाए। जान को जी सिंधिया का पगड़ी ला दिया जाए। शुक्रिया। सरदार ने तुम्हें जिंदा दफनाने के लिए हुक्म दिया था, लेकिन तू बड़ा बहादुर आदमी है। मैं तुम्हारे साथ ये जुल्म नहीं करूंगा। माफ करना मेरे दोस्त, खा रहा? खाऊंगा शहंशाह। शहंशाह, मैंने हमेशा आपके हुक्म की तामील की है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। अपनी जबान का जादू हम पर चलाना चाहता, इजाजत चलाओ। शहंशाह, शाह वली खान ने मेरे जिम्मे जो हिसाब निकाला है वो नावाजिब है, वो गलत। एक बात, नावाजिब या गलत? शहंशाह, जो नावाजिब होता है वो सही होते हुए भी गलत होता है। शाह वली खां का हिसाब सही है, लेकिन नावाजिब ये है कि मुझसे लश्कर का खर्च तलब किया जा रहा है।
बताइए, यानी इन्होंने मेरे जिम्मे 1 करोड़ रुपए का हिसाब निकाल लिया। ओए, किस नामचुप की बात करता, यहां क्यों आया, तुमने बुलाया, किस लिए ठहरा? तुमने कहा लश्कर का खर्च 1 लाख रुपया रोज, तुमने तस्लीम किया 100 दिन का 100 लाख 1 करोड़। तो मैंने नवाब शुजाउद्दौला को आपकी खिदमत में लाकर दिया। पिटी को लाकर देता जो 20 लाख देता, लश्कर के नाम पर 7,000 लाता और एहसान जताता, वो नहीं देता, तुम देगा। शाह, मेरा खजाना खाली है, मैं हुंडियों पर कर्ज ले चुका हूं। शहंशाह, अगर दौलत बची है तो 2 लोगों के पास, 1 नवाब शुजाउद्दौला, दूसरा सूरजमल जाट। अब अगर मैं दे सकता हूं तो उनसे ले। शाह, मैं उन पर हमला करता हूं, आप मेरा साथ दीजिए, 1 नहीं 1.25 करोड़ रुपया आपको दूंगा। ए, फिर दाना डालता, हमको रोकता, मराठा को खत्म करने के बाद तुम शुजाउद्दौला और सूरजमल जाट को भी खत्म करेगा, हिंदुस्तान का वाहिद मालिक बनेगा। तुम हमको क्या समझता, घोड़े पर सवारी करने के लिए अपने पांव का रकाब? शहंशाह, मैं आपका गुलाम, आपका नमकखार, आपका वफादार शहंशाह। तुम वफादार, जिसने मराठा सरदारों की औरतों को जाने दिया, मालिक गनीमत हमारा और रिश्वत लेकर तुमने जाने दिया। मैंने नहीं शहंशाह, ये इल्जाम है, ये झूठ है। जरूर नवाब शुजाउद्दौला 2 लाखों देकर मराठों की लाश खरीदता, तुम 2 लाखों लेकर उनकी औरत जाने देता, हम जंग करता, तुम सौदा करता, तुम्हारा सिपाही हमारे लश्कर से मराठों का हाथी घोड़ा औरत 2-2, 4-4 रुपया में खरीदता, उन्हें फकीर बनाता, उनका खर्च तुम देगा। शाह बाबा का हुक्म आपके हक में होगा, अगर दिल्ली में दरबार मुनाकिद होने से पहले आप 1 करोड़ रुपया अदा कर दे तो। शहंशाह, फिर मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मुझसे उतना लिया जाए जितना पहले मांगा गया था। पहले हमने मांगा कितना? उसका 200 मन अनाज और 15,000 रुपए नकद। ये सही है शाह बाबा, और हमला करने की दावत मैंने ही नहीं, एक और राजा ने भी दी थी, शरीक वो भी है शहंशाह। तुम हमको पता था हम कितना ले, आधा उस राजा से ले, कॉल याद दिलाया, हिसाब किया, तुम हिसाब का पक्का, हम भी हिसाब करेगा, हिसाब से लेगा, हिसाब से देगा, तुम जा सकता। खुदा हाफिज। ये आदमी कैसा है? शाह बाबा, जो अपने मुल्क का नहीं वो हमारा क्या हो सकता, ये सिर्फ अपना फायदा देखता है, आप अपना देखिए। मराठा फिर हमला कर सकता, नजीब खां हमको चाहिए उससे लड़ने के लिए। शाह बाबा, आप शुजाउद्दौला की बात मानकर मरे हुए मराठा सरदारों की आखिरी रस्में करने दिया, दिल्ली के तख्त के लिए भी अगर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि मुगल दरबार में पेशवा का दखल रहे तो वो आगे कभी हमारे साथ नहीं लड़ेगा। वैसे भी शाह बाबा, हमारा लश्कर जंग करना नहीं चाहता है, वो सब वापस काबुल जाना चाहता है, काबुल। मराठे पंजाब में हमारी हुकूमत मानने को तैयार थे, ये पासा फिर फेंका जा सकता है, काशी राज को इस्तेमाल किया जा सकता है शाह बाबा।
कौन है वहां पर? क्या हो गया तुम लोगों को? पागल हो गए? इन्हें नहीं पहचानते? ये सेनापति रानू जी के बेटे कमांडर माजी सिंधिया हैं। माजी सिंधिया? अरे भाई मुझे अंदर जाने दो। तुम अंदर नहीं जा सकते, ये सिपाहियों का पड़ाव है। अरे मुझे कुछ देर के लिए तो नहीं, चलो जाओ यहाँ से। अरे भाई, अरे भाई मुझे बहुत जरूरी काम है। जा सकते, मुझे जरा अंदर जाने दो। बिल्कुल नहीं, चलो जाओ यहाँ से। चल बेटा सिंगिया, चल। रानी खान, रानी खान, रानी खान, रानी खान, रानी खान। देखो, परमात्मा ने हमारी तरह सिंधिया जी महाराज को भी बचा लिया और यहां भेज दिया। अब ये हमारे सेनापति होंगे, हमें इनका ख्याल रखना है, सेवा करनी है, अच्छा करना है। रानी खान, रानी खान, हाँ, कोई पठान होगा जिसने घायल किया या पीछा किया या इनके किसी को मार दिया, किसी अजनबी को पास भटकने नहीं देना। क्या पता कौन कब इनकी खोज में आ जाए, हमें चौकस रहना है। आ गए बड़े ढीठ हो। मुझे सिर्फ एक बार कमांडर महाजी सिंधिया से मिलने दीजिए, फिर हमेशा के लिए चला जाऊंगा मैं। तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, हमारे कमांडर का हुक्म है कि उनसे कोई नहीं मिल सकता,
एक बार तुम्हें बता चुका हूँ, दोबारा फिर कह रहा हूँ, अब यहाँ नहीं आना। चलो सिर्फ जाओ यहाँ से। सिर्फ एक बार मिला दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, सिर्फ एक ही बार मिला दीजिए। ना नहीं मिल सकते, चलो जाओ जाओ यहाँ से। चल बाबा जिंगिया जाओ यार, चल बाल। बेटा जिंगिया, सिंधिया महाराज तो अपने लोगों में आ गए, खूब तिमारदारी करेंगे, खूब भाव भगत करेंगे, लेकिन अपना क्या होगा? हे महादेव की सवारी, महा जी को तो यहां तक ले आए, मुझे कहां ले जाओगे? आए अबे नहीं ले जाएगा। मत ले जा, तेरे सिवा मेरा है ही कौन बेटा दुनिया में। चल ठीक है, तू खड़े रहे यहीं, मैं भी पड़ जाता हूं यहीं कहीं। हाँ बेटा चल। क्या नाम बताया था तुमने? पांडव बात्रे, कांवजी पवार के घुड़सवार फौज में था। कारकुन? जी नहीं, 100 घुड़सवारों का सालार था, मैं उनका चहिता घुड़सवार था। कहते हैं मुझ जैसा घुड़सवार आसपास कोई नहीं था। घुड़सवार पांडोबा कालू जी, शायद तुम वही हो जिसकी दत्ता बा बहुत तारीफ किया करते थे। हो सकता है। महाराज की जय हो। क्या बात है भंग सिंह जी? महाराज अभी अभी सूचना मिली है कि महाराज जी सिंधिया हमारी सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और रेवाड़ी में एक पुराने मंदिर के पास ठहरे हुए हैं। पक्की खबर है? हाँ महाराज पक्की खबर है, वो महाराज जी ही हैं। सुना है वो घायल हैं और उनके पांव में बड़ा ही गहरा जख्म है, जो वैद्य उनका इलाज कर रहा है उसी ने इस बात की पुष्टि की है। देखिए भान सिंह जी, पार्वती बाई की बात कुछ और थी, वो पेशवा घराने की है, उनकी मदद करके तो हमने ठीक ही किया, लेकिन ये महाजी सिंधिया अब्दारी जरूर किसी को इन्हें पकड़ने के लिए भेजेगा। अगर हमने सहारा दिया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। महाराज ठीक कहते हैं, फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि महाजी सिंधिया ने हमें ना ही कुछ बताया और ना ही हमसे मदद मांगी। अब जब ऐसा था तो हम क्या कर सकते थे? अभी तो पता नहीं यहां और कौन कौन आएगा। वैसे अभी हम यही मानकर चलें कि ना वो हमारे राज्य में आया और ना हमें कुछ पता है, लेकिन उस पर नजर रखिएगा कहीं वो कोई उत्पात न करे। पेशवा महाराज का संदेशा जब आएगा तब देखेंगे। वैसे जब हम पेशवा महाराज की तरफ से लड़े ही नहीं तो कुछ किया न किया सब बराबर है। महाराज ठीक कहते हैं, अब हमें आज्ञा दें। Thank you.
पांडोबा, ये हम है कहां? सूरजमल महाराज के इलाके में एक छोटा सा गांव है सीमा के पास। आने और ठहरने दिया? किसी ने कुछ नहीं कहा? जी नहीं महाराज, जो आता है लोग आने देते हैं, रोटी पानी भी दे देते हैं। एक बार सूरजमल महाराज ने हुक्म दे रखा है, पानीपत से जो आएगा आने दो, जो चाहेगा लेने दो। बिना नकदी के या नकदी लेकर? नकदी तो ले ही लेते हैं महाराज, यही तो मुसीबत है। जो साथ लाए थे खत्म हो रहा है। सब मिलके हम 100 आदमी हैं, घोड़े बैल भी हैं, आगे जो हो क्या होगा क्या जाने। उधार भी तो मिल सकता है। हमें कौन उधार देगा महाराज? किसी भी साहूकार से हुंडी पर, भारी ब्याज पर। साहूकार उन्हीं को देते हैं जिनको वो जानते हैं। हाँ, आपको मिल सकता है। आप राणोजी महाराज के सुपुत्र जो हैं। हाँ पांडोगा, हाँ फिर और भी भाई थे, सबके सब पानीपत में वीर गति को प्राप्त हुए। मेरी आंखों के सामने अब तो आप ही रानोजी महाराज के एकमात्र वारिस रह गए हैं। लेकिन यह श्रीमान पेशवा के हाथ में है कि वो हमें वारिस माने या ना माने। महाराज, श्रीमान पेशवा बड़े न्यायी हैं, बड़े दिल के मालिक हैं। हाँ, पर वो बीमार रहते हैं। उनका सारा राजकाज राघोबा दादा चलाते हैं। राघोबा दादा और उनकी पत्नी आनंदीबाई दोनों हम सिंधियाओं से सख्त नफरत करते हैं। अच्छा, कितने दिनों का गल्ला और चारा है हमारे पास? सिर्फ 2 दिनों का। महाराज, अगर सूरजमल को खबर भिजवा दें कि आप यहां हैं। नहीं, हम यहां हैं ये बात किसी को ना बताई जाए। पर सूरजमल राणा जी को आपके पिताजी को चाचा कहते हैं। नहीं पांडोबा, उनको नहीं बताया जाएगा। पर महाराज, आपका इलाज कैसे होगा? घाव गहरा और खराब हो चुका है, यह गांव का वैद्य इसे ठीक नहीं कर सकेगा। सब तरफ रोहिले और अफगानी घूम रहे हैं, देखते ही काट डालते हैं। दिल्ली पर अब्दाली का कब्जा हो गया होगा। सूरजमल तो हमारे हैं, हमारे धर्म के हैं। धर्म की बात मत करो पांडोबा, धर्म की बात मत करो। जानते हो पांडोबा, जानते हो मुझे किसने बचाया, कौन मुझे यहां तक लाया? एक भिश्ती राने खान, जो हिंदू नहीं मुसलमान है। सेनापति जी, वैद्य जी आए हैं। प्रणाम महाराज। नमस्कार। ये पत्ते पानी में उबालकर मंगवा लीजिए, इन्हें घाव पर बांधना है। Thank you.
जिंगिया, जिद मत कर, अब चल, जाने दे मुझे, यहां रहने से कोई फायदा नहीं। अरे हमने कितनी बार कोशिश की उनसे मिलने के लिए, उन लोगों ने मिलने ही नहीं दिया। अब न हम उनके हैं न वो हमारे। महाराज जी सिंधिया सरदार है, तू एक बैल और मैं एक बिश्ती हूं बेटा, बिश्ती हूं। सुनिए, अरे सुनिए, मैं आपको यहां काफी दिनों से देख रहा हूं, क्या चाहते हैं आप? मैं 9 दिनों से इसी आस में यहां पड़ा हूं कि मेरी महाजी से मुलाकात हो जाए, लेकिन कोई मिलने ही नहीं देता। क्यों मिलना है, कौन हो तुम? बहुत जरूरी काम है, मेरा नाम राने खान है, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। राने खान, सेनापति महाजी की जुबान से तुम्हारा नाम सुना तो है, तुम वही हो? अच्छा अच्छा, मैं वही हूं। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप एक पल के लिए मेरी उनसे मुलाकात करवा दें, फिर मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। जी अच्छा अच्छा, लेकिन याद रखो तुम उनके पास देर नहीं लगाओगे। जी जी, क्योंकि पांडोबा अत्रे ने हुक्म दिया है कि महाजी से कोई नहीं मिलने पाए। थोड़ी देर में पांडोबा मंदिर जाएंगे तो मैं तुम्हें महाजी से मिलवा दूंगा। पांडोबा मंदिर से इतनी देर में लौटते हैं जितनी देर में कौवा नहाकर उड़ जाता है। समझ गया जी, बिल्कुल समझ गया। ये मेरे परवरदिगार, मैं समझ गया, बड़ी मेहरबानी। आओ मेरे साथ। चलिए चल बेटा चल, या मेरे परवरदिगार, चल बेटा चल, महाराज से मुलाकात करेंगे। चल चल चल, आ जा जल्दी, चल बेटा चल, आ जाओ जाओ। क्या है? दरवाजा खोलो। आओ। रास्ता छोड़ो। खान जी महाराज, कहां थे इतने दिन, आए क्यों नहीं? मैं तुम्हें रोज याद करता था महाराज। जब तक आप मेरे बैल पर थे, मेरे थे, अब आप यहां आ गए, अपनों में इनके हो गए। वो लोग मुझे देखते ही भगा देते थे। तुम्हें किसने भगाया जी? वो तुमने कहा नहीं कि तुमने मुझे बचाया है? अरे नहीं महाराज, नहीं, मैं कौन होता आपको बचाने वाला? बचाने वाला वो है या मेरा जिंगिया, वो नहीं होता तो मैं आपको यहां तक कैसे लाता? जिंग्या, हाँ, कैसा है तुम्हारा जिंग्या?
मैंने उसे कहा चल, तो गर्दन हिला दी। वो कहे तो जाऊं सोया पड़ा हूं, अब आपके दर्शन हो गए, जाकर बताऊंगा, मान जाएगा तो चल पड़ूंगा। महाराज, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से तो बेहतर है। अच्छा, इलिजो महाराज। वैद्य जी आते हैं जी, रोज ये पट्टियां बदल जाते हैं। महाराज, आपसे एक बात कहनी थी। बात कहनी है जी? अरे हाँ, मैंने तुम्हें चार अशर्फियां देने का वादा किया था। हाँ, लेकिन राने खान, इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं महाराज, उनकी बात नहीं, मुझे कुछ और कहना है आपसे। तो कहो। वो लोग खड़े हैं महाराज। ये सब मेरे आदमी हैं। मैं उनके सामने नहीं, उन्हें हटवा दीजिए। अच्छा जी। सहदेव जी, सेनापति, इन सबको परे कर दो। आप लोग चलिए। कहो। ये क्या है? आपकी है, देख लीजिए। मेरी? अरे हाँ, ये तो मेरी है। ये तुम्हें कहां से मिली? पानीपत में, जहां पड़े हुए थे वहीं कुछ दूर आपकी पगड़ी पड़ी हुई थी, उसी में थी। महाराज, ये भी था। हाँ। शिव कवच, ये कहां था? ये भी आपकी पगड़ी में था महाराज। ओम नमो शिवाय। ये मेरी मां का वरदान है, मेरी रक्षा के लिए। राने खान जी, ये शिव कवच है, रक्षा करते हैं। आपकी तो नहीं की महाराज। की राने खान, की। पानीपत में जहां कोई सरदार नहीं बचा, मैं बचा, यहां तक पहुंचा। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है राने खान। वो मुझे पता नहीं महाराज, मुझे मिल गया, आपकी अमानत थी, आप तक पहुंचा दी। हाँ, इन्हें तुम रख लो। मैं कैसे रख सकता हूं महाराज? जैसे अब तक रखा, इन्हें बचाया, मेरे पास लेकर आए। अगर तुम चाहते तो इन्हें लेकर भाग जाते, इन्हें बेच सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ये मेरे पास आपकी अमानत थी, और मैं अमानत में खयानत कैसे कर सकता महाराज? इसे लौटाने के लिए ही तो मैं इतने दिन ठहरा रहा। जान बचाने की कोई कीमत हो भी नहीं सकती, लेकिन मैंने तुम्हें चार अशर्फियां देने का वादा किया था। ये लो। जान बचाने की कीमत भी नहीं ली जाती, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, रहने दीजिए महाराज। राने खान, तुम जैसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। महाराज, ऐसा क्या किया मैंने महाराज? मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया। अब मैं चलूं, इजाजत दीजिए महाराज। कहां जाओगे? मुझे दो वक्त की रोटी कहीं भी मिल जाएगी महाराज। यहां आओ, हमारी भगवद गीता में लिखा है,
कि अगर किसी की जान बचाओ तो जीवन भर उसकी रक्षा करो। अब तुम्हें हमेशा मेरी रक्षा करनी है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे पास रहोगे, मेरे साथ रहोगे, मेरे भाई बनकर। महाराज, मेरे चार भाई थे राने खान, चारों को भगवान ने बुला लिया और तुम्हें मेरे पास भेज दिया। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे राने खान, कभी नहीं जाओगे। तो महाराज, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता कि तुम कौन हो, क्या हो, कहां से आए हो। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुमने मेरी जान बचाई, अपने नंदी बैल पर बिठाया, मुझे यहां तक पहुंचाया। आज से तुम मेरे भाई हो महाराज। हाँ, और तुम्हारी मां, तुम्हारी मां मेरी मां है। महाराज, महाराज। राने खान, आओ मेरे गले मिलो। महाराज, या पांडुबा। नमस्कार महाराज। नमस्कार। ये कौन है, यहां कैसे आया? पांडुबा ये लो, जो चाहिए इनसे खरीद लो। जब तक यहां से नहीं चलते काम चल जाएगा। ये अशरफिया कहां से आई महाराज? साहूकार ने दी। साहूकार? ये है हमारे साहूकार। हमारे भी और आपके भी, इन्होंने पानीपत में मेरी जान बचाई है। ओ, अच्छा अच्छा। अब से ये हमारे साथ ही रहेंगे। जाइए इनके जिंगिया को लेकर आइए। जिंगिया? रानेखा का बैल महाराज? हाँ, अब से वो आप सबके नंदी बैल हैं, जिन्हें शिवजी महाराज ने रानेखा के हाथों भेजा है। महाराज, जाइए उन्हें खिलाइए पिलाइए, उनकी पूजा कीजिए। ये और वो दोनों हमारे पूजनीय हैं। जी महाराज। जाइए जाइए। तुम खाना खाओ। महाबली आदरणीय ज्ञानी ध्यानी गोपालक राज राजेश्वर राव श्रीमान सरकार बालाजी बाजीराव पेशवा श्री माधव राव के साथ दरबार में पधार रहे हैं। सदाशिरो भव और विश्वास राव को गए 10 महीने से ऊपर हो गए। दिल्ली की फतेह के बाद कोई खबर नहीं आई। माना कि समाचार आने में देर लगती है, लेकिन इतनी नहीं। कोई समाचार ना आने का मतलब है शायद वे परेशानी में हो सकते हैं। परेशानी भी कोई मामूली परेशानी नहीं लगती, वरना समाचार आने में इतना समय नहीं लगता। श्रीमंत, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने निजाम को हराया है और इतना बड़ा लश्कर भी उनके साथ है। सुना है उधर बारिश बहुत हुई है, इसलिए लगता है कि नहीं। श्रीमंत, हमारे घुड़सवार कासिद बहुत से बहुत 1 महीने में यह खबर ला सकते हैं, इसलिए हमें उनकी खबर लेनी चाहिए। पूरा मराठवाड़ा
चिंता से बेचैन है, इधर से कासिद भेजना चाहिए। हाँ श्रीमंत, अब और देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि लश्कर लेकर जाना चाहिए। आपने वचन भी दिया था आप लश्कर भेजेंगे, उनके पीछे पीछे जाएंगे। श्रीमंत आज्ञा दें तो मैं एक बड़ी सेना लेकर उत्तरी हिंदुस्तान की ओर कूच करूं, उनकी खोज भी हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर मदद भी। नहीं, भव और विश्वासरा की खबर लेने हम खुद जाएंगे। हम तो कभी के चले जाते हैं, लेकिन निजाम ना जाने अपना लश्कर लेकर क्यों नहीं आते, जबकि हमने उन्हें खास तौर पर दावत दी थी। हम अपने साथ निजाम अली को और उनके गर्दी लश्कर को ले जाना चाहते हैं ताकि इब्राहिम खां के हाथ मजबूत हो जाएं। लेकिन हम और इंतजार नहीं करेंगे, 40-50 हजार का लश्कर फौरन तैयार किया जाए। सूचना है कि मराठों का एक बड़ा लश्कर बाजीराव की अध्यक्षता में पुणे से चल पड़ा है। जी महाराज। शुभ संकेत नहीं है ये? आखिर पेशवाजी महाराज यहाँ पानीपत की लड़ाई के बाद क्यों और किस लिए आ रहे हैं? जब उन्हें पता चलेगा कि हमने और राजपूतों ने उनके बेटे और भाई की कोई मदद नहीं की, उनका पूरा लश्कर यहाँ तक की औरतें तक मारी गई, तो वो तो गुस्से से पागल हो जाएंगे। हो सकता है हम ही से बदला लें। बदला? मगर महाराज, हमने पार्वती बाई और दूसरी मराठा औरतों को बचाया है, पानीपत से लौट के आए मराठों को पनाह दी है, उन्हें बच के निकलने का मौका दिया है। महाजी सिंधिया क्या अभी तक हमारे यहाँ है? जी जी महाराज, वो रिवाड़ी में अपना इलाज करा रहे हैं। देखिए, हमने पहले कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब हम हुक्म देते हैं, आप फौरन वहां जाइए और महाजी सिंधिया को लेकर यहाँ आइए, हमारे वैद्यों से उनका इलाज कराइए। सिपाहियों को हुक्म दीजिए कि वहां जाएं और पेशवा खानदान का जो भी व्यक्ति उन्हें मिले उसे फौरन जिस हाल में हो यहां लेकर आए, जैसे भी हो उसकी मदद करें। किसी तरह पेशवा के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश कीजिए। जाइए, फौरन जाइए। जो हुक्म महाराज। ये तो अब्दाली की आई हमारे गले पड़ गई। जी महाराज। Thank you.
लगता है पकड़ने आ रहे हैं। सिपाहियों को इकट्ठा करें महाराज। रुक जाओ, पास आने दो। ये तो महाराज सूरजमल के सेनापति भान सिंह है, कुछ मत करना, देखते हैं। तुम जाओ, अगर ये लोग हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे तो तुम सीधे उज्जैन चले जाना। रुकना मत, वहां पहुंचकर हमारी खबर देने वाला भी कोई होना चाहिए। तुम जाओ। सरदार महाजी सिंधिया को भान सिंह का नमस्कार। नमस्कार। हम महाराज सूरजमल के हुक्म से हाजिर हुए हैं, उन्होंने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। धन्यवाद, आशा है महाराज सकुशल होंगे। हाँ वो कुशल तो हैं, लेकिन बहुत दुखी हैं। दुखी हैं कि पानीपत में ये सब कुछ हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख उन्हें इस बात का है कि आप हमारे ही राज्य में रहे और हमें खबर तक नहीं की। आप रानूजी महाराज के सुपुत्र हैं, आप तो जानते ही हैं कि वो राजा साहब के पुत्र के समान थे और वो उन्हें चाचा जी कहा करते थे। मुझे मालूम है भान सिंह जी, मालूम है मुझे, लेकिन आप लोग युद्ध में हमारे साथ नहीं थे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमें यहां आना पड़ा। हम चले जाएंगे, हम नहीं चाहते कि महाराज हमारी वजह से किसी मुश्किल में पड़े, इसलिए हम चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि स्वयं महाराज ने हमें आपको लाने और अपना अतिथि बनाने के लिए भेजा है। अब ये तो हमारी बदनसीबी है कि दिल्ली तक हम आपके साथ थे, लेकिन कुछ मतभेद हो जाने के कारण आगे आपका साथ नहीं दे सके, वरना अब्दाली की तो नाम मत लीजिए उस हत्यारे का। ये वो घाव है जिसे मराठे कभी भूल नहीं सकेंगे और जो कभी भर नहीं सकेगा। आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम आपके सामने खड़े हैं। दुर्भाग्य तो हमारा भी है, हमारा भी दुर्भाग्य है, जिस अब्दाली की छाया को भी हम इस धरती पर नहीं पड़ने देना चाहते थे वही अब्दाली धरती निकल गया। हम सच कहते हैं, हमने सपने में भी नहीं सोचा था, हमने नहीं सोचा था कि आप इस हाल को, हम जिस हाल में पहुंचे हैं उसे रोकने में आपने तो हमारी मदद नहीं की। हमसे हमारी बात मत कीजिए भान सिंह जी, और हम जिस हाल में हैं उसमें अतिथि नहीं बन सकते। बस हमें बता दीजिए अगर हमारा हमारा कोई है यहां। है, पार्वती बाई जी आई थी
उन्हें स्वयं महारानी पद्मिनी देवी सीमा पार पहुंचाने गई थी। और आपकी माता जी? मेरी माता जी? जी हाँ, आपकी माता जी वो वहां पहले ही पहुंच चुकी है। मेरी माता जी जीवित है, हे भगवान, तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी कृपा है। औरंगाबाद जा चुके हो? जी, दो बार। एक बार पुणे में जोहरी की हुंडिया लेकर गया, दूसरी बार किले के नाइब अमीर खजाना ने भेजा था। बहुत खूब। ये कुछ हुंडिया हैं और ये निजी चिट्ठी है। जी। इसे छुपाकर अलग रखना और बसंत राव जी को ही देना, समझे? जी। इसमें पानीपत का हाल है जो और किसी के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। ध्यान से जाना और जल्दी आना। इसी की खाता हूं सेठ जी। भिलसा में हमको इतना वक्त लग जाएगा। तोपे तो पार हो गई, अब हमारे घुड़सवार दस्ते हुजारत को भिजवा दीजिए। इतना वक्त लेते आप लोग, सब सुस्त और काहिल हो गए। क्षमा कीजिए। और कितने दरिया पार करने पड़ेंगे? सिर्फ दो या तीन श्रीमंत, जिसमें चंबल सबसे बड़ा है। दिल्ली पहुंचकर हमें सब कुछ ठीक करना होगा। हमारा और भाऊ का लश्कर अब्दाली को तो खत्म कर ही देगा, नजीब खौ को भी खत्म करना है। हम बंगाल के मिर्जापुर से भी चौक वसूल कर लेते। अगर नजीब खान ने गंगा पर पुल बनाने दिया होता, उसने शुजाउद्दौला को भी भड़का दिया कि पुल बन गया तो तेरा अवध खतरे में पड़ जाएगा। चलो चलकर देखते हैं क्या गड़बड़ है। जी श्रीमंत। उस तरफ से आने वाली नाव में छिपकर इधर आया है और हमें देखकर भागने लगा। बड़ी मुश्किल से हाथ आया है, लगता है दुश्मन का जासूस है। महाराज, मैं जासूस नहीं, कासिद हूँ। मैं तो सेठों और साहूकारों की हुंडियां लाता ले जाता हूँ। मैं तो औरंगाबाद जा रहा हूँ महाराज। झूठ बोल रहा है ये। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम कासिद हो? है महाराज, है।
मेरे पास हुंडियां हैं, अभी दिखाता हूँ, छुपा कर लानी जो पड़ती है। कहीं से चुराई हुई भी हो सकती है। इसकी तलाशी लो। इसमें क्या है? इसे न खोलिए महाराज, ये खुफिया चिट्ठी है, जौहरी ने खोलने से मना किया है। ये तुम्हारे पास कहां से आई? बताओ ये तुम्हें किसने दी? दिल्ली के जौहरी ने दी है, औरंगाबाद के जौहरी के लिए। श्रीमन ये लीजिए खुफिया चिट्ठी। दो मोती चूर चूर हो गई, 27 अशरफिया तबाह हो गई, चांदी और तांबे के अनगिनत सिक्के लापता हैं। तुम दिल्ली से आए हो? हाँ महाराज। हमारा लश्कर दिल्ली में था, उसका क्या हुआ? महाराज सब कुछ खत्म हो गया, उस अफगान अब्दाली ने सबको काट डाला पानीपत के मैदान में। हम समझ गए दो मोती हमारे भाऊ सदाशिवराम और मेरे बेटे विश्वासराम। देखो सत्ताईस अशरफिया जिनका पता नहीं, हमारे सरदार चांदी और तांबे के सिक्के जिनकी गिनती नहीं, हमारे सिपाही वो सब हमारे थे, हमारे से? बाला साहब जनार्दन? बालाजी जनार्दन और इस हाल में? हमारे साथ चलो।
पानीपत की क्या खबर लाए हो? मराठा लश्कर की कोई खबर? सदाशिवराव भाऊ की क्या खबर है? विश्वासराव की कोई खबर? अरे अरे कुछ तो बोलो, पानीपत में क्या हुआ? आपसे सुना नहीं जाएगा। क्या? पानीपत में जो हुआ वो मराठों के साथ कभी नहीं हुआ। हम अब सुनना चाहते हैं। श्रीमंत विश्वास राव को अंतिम क्षण तक लड़ते देखा। लश्कर ने पहले एक जरी पटका और हाथी को नीचे जाते देखा, फिर दूसरा जरी पटका और नीचे जाते देखा, फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसा हो गया जैसे पिले आ गए, सारी सेना भाग खड़ी हुई, 70,000 सिपाहियों को मार दिया गया, 30-35,000 सिपाहियों को बंदी बना लिया, हजारों का पता नहीं। श्रीमंत पानीपत कुरुक्षेत्र बन गया, कुरुक्षेत्र और हमारे वो पौरव बन गए। हे देवर, और महाजी और तुको जी वो दाहिने मोर्चे पर, जब होलकर बाबा की मदद नहीं पहुंची तो भाऊ ने महाजी को उनके मोर्चे पर पहुंचा दिया। तुको जी के कटे सिर को निजी पर देखा, महाजी को नहीं देखा। वो कहां गए भवानी मां जाने, उनकी रक्षा। पहले दोपहर तक जीत रहे थे, फिर दोपहर के बाद भाऊ का हुक्म था सब एक साथ लड़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ अगले 10 अफगानों को उलझाए रखेंगे, बाकी लश्कर बाएं से बढ़कर जमुना किनारे पहुंच जाएंगे और अगले दिन अफगानों पर दाएं बाजू से हमला करेंगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर? हुक्म पर नहीं चले श्रीमंत, भाऊ और इब्राहिम खान ने अपना माथा पीट लिया। जब पता चला जिन सरदारों को आगे आकर अब्दाली के सिपाहियों को मारना था वो या तो पीछे हट गए या मनमानी कर गए। कौन थे वो गद्दार? कौन थे? विनाश काले विपरीत बुद्धि, अपनी निजी बुद्धि, निजी कीर्ति और निजी स्वार्थ। नहीं, यही ले डूबे हमें, हमें अकेला छोड़ के
हमें अकेला छोड़ दो, सब चले जाओ। नमस्कार। हुजूर ने याद फरमाया। लश्कर की वापसी की तैयारी शुरू है, आधा लश्कर आज निकल जाएगा। हुजूर कुछ परेशान है? शाह अब्दाली दिल्ली में दरबार लगा रहे हैं, हमें परसों दिल्ली के लिए रवाना होना है। शाह अब्दाली से मुलाकात का कुछ तय नहीं है? जब से ये जंग खत्म हुई है 3 पैगाम भेज चुके हैं। साफ नजर आ रहा है न खुदा ही मिला न विसाले सनम। रोहिले के जाल में गिरफ्तार होकर इस जंग में शरीक हुए थे, जानी माली नुकसान उठाया और कुछ मिलना तो दूर। लगता है अभी गुल्लू खलासी नहीं हुई। क्या हुआ? शाह अली खान ने दरियाफ्त कराया है कि हमने 20 लाख के अलावा और कुछ तो नहीं दिया। क्या कुछ और देना पड़ सकता है? मुमकिन है। यहां आते ही 20 लाख रुपए देने पड़े थे उसके लश्कर के 20 दिन के खर्च के वास्ते, लेकिन उसके बाद तो हम लोगों से कुछ नहीं मांगा गया। अगर उस रोहेला को ही सब कुछ मिलना है तो फिर लश्कर का खर्च वो क्यों ना उठाए? शाह उससे भी मांग कर सकता है। जाने से पहले उसे किसी को दिल्ली का वजीर बनाना होगा और इस औहदे की नीलामी करवा सकता है हमारे और नजीब के हाथों। तो क्या वो नजीब का भी वफादार नहीं है? आप जानते हैं अब्दाली कौन था? नादिर शाह का गुलाम। उसने अपने आका की गुलामी में 3 बातें सीखी: गुलाम बनाकर रखना, इंसानों का लहू बहाना और बेदरेक होकर दौलत समेटना। शाहे अफगानिस्तान को काशीराज का प्रणाम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। तुमको बुलाया पूछना चाहता हम काबुल जाता, हमारा दिलचस्पी पंजाब में, मराठा का दखल रखे दिल्ली में, शरीको पेशवा के गम में। पेशवा अपना रवैया बदलेगा? दुश्मनी छोड़ सकता? हम पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर सकता? करना नहीं चाहता शहंशाह।
क्या करने से क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, पर ज्ञानियों ने एक बात कही है वो सुना सकता हूं। वो ये कि हाथ फैलाओ तो इतने कि समेट सको, इससे ज्यादा फैलाओगे और फैलाओगे तो समेट नहीं सकोगे, सब बिखर जाएगा। युद्ध में आप जीत गए, पर जीत हराने में नहीं होती, मन जीतने में होती है। युद्ध की घड़ी में आदमी आपाधापी न करे, अपना लेकर दूसरे की देने की भी सोचे तो आंख में दुश्मनी नहीं रहती, और जब ये नहीं रहती तो आंख में नरमी आ जाती है, और जब नरमी आती है तो चैन आ जाता है। अपने को भी और उसको भी जिसका चैन उजाड़ा। तुम बंदी है, हम बादशाह, सब नहीं मानेगा, कुछ मानेगा, जो मानेगा तुम पेशवा तक पहुंच जाएगा, तुम दिल्ली दरबार में चलेगा। आपकी कृपा से मराठा सरदारों का अंतिम संस्कार किया, अगर आपकी पेशकश से दुश्मनी और लड़ाई का अंतिम संस्कार कर सका तो अपने को धन्य समझूंगा। तैयारी है? हाँ शाह बाबा, सब लश्कर कुचकशी के लिए तैयार है। दिल्ली दरबार पर रवानगी मुबारक हो शाह बाबा, दिल्ली पर फिर से कब्जा मुबारक हो। गुस्ताखी माफ शाह बाबा, आप दिल्ली में ज्यादा कियाम न कीजिए और जल्द अज जल्द अफगानिस्तान वापस जाने की तैयारी कीजिए। जी हाँ शाह बाबा, नजीब खां के कहने से वतन परस्त बरखुरदार खां के खेमों की तलाशी ली गई, जिसकी वजह से सब लश्करों में तैश है। शाह बाबा, मेरा मशवरा है कि दिल्ली दरबार में जो ऐलान करें तो दो बातों का ख्याल रखें, एक तो आपको वापस लौटना है, और दूसरा पानीपत में मराठों की जो एक नस्ल कटी है, पेशवा उसका इंतकाम जरूर लेगा। पेशवा के गैज़ो गज़ब को ठंडा करने के लिए कुछ ना किया गया, पंजाब और दिल्ली दोनों जगह उस नजीब खां को बिठाया गया जिसे वो बेहद नफरत करते हैं, तो वो इस मुल्क में और हम काबुल में चैन से नहीं बैठ सकेंगे। शाह बाबा, हम जानता पेशवा एक बार तक तक पहुंच सकता, हमारा लश्कर भी हमारे साथ नहीं, हमें मालूम, पर हम क्या कर सकता, नजीब खां के सिवाय और किसे इख्तियार दे सकता। शाह बाबा, ये इख्तियार पंजाब में दीजिए, दिल्ली में नहीं, क्योंकि पेशवा दिल्ली में ताकत नहीं, दिल्ली में असर चाहते। हम निकाल दिया नजीब को दिल्ली का वजीर आजम बनाने का। ये कौल आप नवाब शुजाउद्दौला को दे चुके हैं, खुद नजीब खां के कहने पर, जब वो शुजाउद्दौला को आपके पास लाया था। बस कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए शाह बाबा कि यहाँ की लूटी हुई दौलत ले जा सके और दौलत आती रहे, हमारा यही रिश्ता है इस मुल्क से। कूच करो।
जाट राजा सूरजमल की पत्नी रानी पद्मिनी देवी, सदाशिवराव भाऊ की विधवा पार्वती बाई को और दूसरे मराठा सरदारों की स्त्रियों को उनके मराठवाड़ा राज्य की सीमा तक सुरक्षित पहुंचा देती है। कारवां रोको, कारवां रोको। महारानी साहिबा की जय हो। मराठवाड़ा की सीमा असम में है। ठीक है। पार्वती बाई साहिबा, बाहर आइए। आपके राज्य की सीमा आ गई। यहाँ से आगे हमारे सिपाही नहीं ले जा सकेंगे बाई साहिबा, पर आपके सिपाही ले जा सकते हैं। आज भी बाई साहिबा ही कहोगी? जब तक आपके महल में थी, आपकी मेहमान थी, आपके इलाके से होकर यहाँ तक पहुँची तो मैं बाई साहिबा थी। अब मैं जब जा रही हूँ तो नया रिश्ता नहीं जोड़ूंगी? पार्वती बहन नहीं कहोगी अपनी इस अभागन बहन को? आज से मैं आपकी बहन हो गई। लक्ष्मी, ये मोती की माला अपनी बहन की निशानी समझना, जो सदा आपके पास रहेगी। पुणे आना, मैं बुलाऊंगी। मेरे हाथ में हुआ तो मैं आऊंगी, 100 बार आऊंगी। मैं पेशवाजी महाराज से कहूंगी, पुरुषों के लिए राज आते जाते हैं, पर स्त्री के लिए दो ही चीजें हैं, उसका सुहाग और सतीत्व। सुहाग मेरे भाग्य में इतना ही लिखा था, पर मेरा सतीत्व, जिसने उसकी रक्षा की, इस लायक रहने दिया कि मैं आंख उठाकर देख सकूं, वे उनकी तरफ आदर और एहसान की नजर से देखें। ये हो गया तो आपकी इस बहन का सुहाग बना रहेगा। राजा जी बहुत परेशान हैं। उनसे कहिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने और आपने हम मराठी स्त्रियों के साथ जो सुलूक किया है हम कभी नहीं भूलेंगे। इस एहसान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए। वाह
वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ची खुशबू, ची लिज्जत बख्श तंबाकू, कमाल है नवाब साहब, कमाल है, वाह वाह। हमारे लखनऊ का तंबाकू और किवाम ईरान और तुर्किस्तान तक मशहूर है। फरमाइए बरखुरदार खान साहब, कैसे आना हुआ? तखलिया। नवाब साहब, आपने शाह से मराठा सरदारों की लाशें 3-3 लाख में खरीदा। मैं भी आपके साथ एक सौदा करना चाहता था, एक जिंदा मराठा सरदार का। सरदार कौन है वो? अब वो जिंदा नहीं है, जांकुजी सिंधिया, जिसको मेरा लश्कर जिंदा गिरफ्तार किया था। मैं उसे 10 लाख में बेचना चाहता था, मगर वो रोहिले का बच्चा नजीब खान जाकर शाह बाबा से मेरा चुगली किया, मेरा नवाब साहब, और मुझे मजबूरन उसे जिंदा दफनाना पड़ा। मेरे लश्कर और मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया नवाब साहब, 10 लाख का। आप ये नुकसान पूरा कर सकते हैं, अलबत्त 5 लाख और ऊपर देने के बाद। किस बात के लिए? खबर खरीदने के लिए। ये खबर मैं आपको 1 करोड़ में भी बेच सकता था, 1 करोड़, और आप खरीदते थे, मगर मैं अभी काबुल वापस जा रहा हूं, और इतनी कम मुदत में आप इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकते, इसलिए मैं इतनी कम रकम में सौदा करना चाहता हूं। ऐसी क्या खबर है? पहली खबर, रोहिले का बच्चा नजीब खान मुगल दरबार का वजीर आजम नहीं बनाया जाएगा, उसका इंतजाम मैंने शावली खान के माओनत से कर लिया है। तासुफ के साथ आप भी नहीं बनेंगे। कौन बनेगा बताऊंगा, अलबत्ता खबर खरीदने के बाद। यह खबर इसलिए मैं आपको सुनाया कि आपको यकीन हो जाए मेरे पास खबर है, जिसकी तस्दीक कल दरबार में होगी। मगर जो खबर मैं आपको बेचना चाहता हूं, उसकी तस्दीक करने के लिए आपके पास वक्त नहीं रहेगा, इसलिए आप 15 लाख का सौदा कर लीजिए। मंजूर है, खबर क्या है? नजीब खान आपका कत्ल करेगा। सबूत? सबूत? ये रहा सबूत। अजीब खान के सरदारों ने मेरे लश्कर के सिपाहियों को पेशकी में दिया है आपको मारने के लिए। जब आप दरबार से पड़ाव को लौटेंगे, ये उसी की मोहर है, लेकिन हमारा कत्ल क्यों?
पेशवा आपसे खुश होकर कहीं आपको वजीर आजम न बना दे, क्योंकि आपने खतरा मोल लेकर कीमत अदा करके उनके बेटे भाई और उनके सरदारों की लाशें उन्हीं के रुसूम से जलवाया, इसलिए आप सीधे अवध जाएंगे, पड़ाव नहीं, और कल आप शाह बाबा को अलविदा नहीं कहेंगे, समझे आप? अगर हम अलविदा किए बगैर चले गए तो तो जिंदा रहेंगे, सलामत रहेंगे, और रियासत में उस शर्पसंद नजीब खान को सबक सिखा सकेंगे। अनूप सिंह जी रकम लेकर हाजिर होंगे, आपके इस एहसान का बदला हम नहीं चुका सकते। मैंने चुका लिया उस फसाद का बदला, जो सुरहिले के बच्चे ने मेरे और शाह बाबा के बीच बोने की कोशिश की थी। आप मेरे दस्तों की हिफाजत में रहेंगे अवध चले जाने तक। तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह का हुक्म हो तो फरमान पढ़कर सुनाया जाए। सुनाओ। خداوند بخشاینده و مهربان، شهنشاه افغانستان کا فرمان، شهنشاه افغانستان اور فاتح هندوستان، جناب محترم احمد شاه ابدالی نے واپس اپنے وطن افغانستان جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان میں رہنے کا شہنشاہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ صرف اپنی اقتدار کا اعلان کرنے اور پنجاب میں اپنی علاقے بحال کرنے اور اپنی ملکیت پھر سے قائم کرنے آئے۔ جو کام انہوں نے بحیلان فتح پورا کیا۔ جناب محترم شہنشاہ عبدالی کو یقین ہے کہ پونے کے پیشوا مغل سلطنت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے مغل شہنشاہ نے جو معاہدے ان سے کیے ہیں ان کا احترام کرتے ہوئے پیشوا کے اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں کہ مغل سلطنت کے شہنشاہ جناب محترم علی گوہر شاہ عالم ثانی ہوں گے۔ واپسی تک ولی عہد شہزادہ جہاں بخت حکومت کے بعد دور سنبھالیں گے۔ بخشی والی روہیل کن نجیب خان اور وزیر اماد الملک بدستور اپنے انہی عہدوں پر فائز رہیں گے جس کا اعلان پیشوا کی سفارش پر سابق مغل شہنشاہ نے کیا تھا۔ شہنشاہ عبدالی کا فرمان ہے کہ وہ اپنی ذاتی عداوت چھوڑ کر شہنشاہ کا حکم اور پیشوا سے کیے ہوئے معاہدوں کی تعمیل کریں گے۔ دلی کے معاملات میں پیشوا کو دخل دینے کا حق تسلیم کرنے کے نشانی کے طور پر ایک خلعت، دو سفیروں کی معرفت
पेशवा को पुणे भेजी जाती है, अलबत्ता इस पैगाम के साथ कि शहंशाह को उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो उनके उस जाती गम में शरीक है जो जंग में दोनों फरीकों ने उठाया। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी अरवाह को खुशनूद रखे और उनको जन्नत नसीब करे। वजीर इमादुल मुल्क की खिलाफ उन्हें आगरा भेज दी जाए। वजीर और मीर बख्शी दोनों पर हुक्म आयत है कि वो हर साल बतौर खराज मुगल सल्तनत के खजाने से मबलग 40 लाख रुपया काबुल रवाना करते रहे। खास ऐलान, पंजाब से सरहिंद तक का इलाका सल्तनत अफगानिस्तान का हिस्सा होगा, जिसके वाहिद और मुकम्मल वाली जनाब मोहतरम शहंशाह अहमद शाह अब्दाली और उनके वारिसीन होंगे। हिंदुस्तान के तमाम हुक्मरानों को, जिसमें पुणे के पेशवा खास तौर पर शामिल हैं, इस ऐलान को बिला शर्त कबूल करना होगा। इन इलाकों के लिए शहंशाह अपने हाकिम आला नजीब खान वाली रोहेलखंड के नाम का ऐलान करते हैं। उन्हें जनाब मोहतरम अहमद शाह अब्दाली का नुमाइंदा तस्लीम किया जाएगा। खातमा वस्सलाम। शाह अब्दाली, ये आपने मेरे साथ क्या किया? पूरे हिंदुस्तान में मैं वाहिद आपका वफादार गुलाम। जंग में आपके 5,000 मेरे 15,000 सिपाही खत्म हुए। आपकी वफादारी के लिए तमाम हिंदुस्तान से मैंने दुश्मनी मोल ली। मैंने आपको दावत दी कि हिंदुस्तान आकर आप मुझे दिल्ली का वजीर आजम बनाइए। आपने मुझे मेरी वफादारी का ये सिला दिया। तुम दुश्मन बनाता अजीज बिरादर, दोस्त को दुश्मन बनाया। हमारा सिपा सलार तुमसे नाराज, तुमने बखर दरखा की तलाशी कराया। दवा नाराज, उसको झूठा कॉल दिलाया। वो सब मैंने आपके लिए किया। हम जानता इस मुल्क में हमारा वाहिद वफादार तुम, हम तुमको हाकिम आला बनाएगा अपने इलाकों का, पर दुश्मनों के हवाले नहीं करेगा। दुश्मनों के हवाले? पुणे का पेशवा आता लश्कर लाता इंतकाम लेने, तुमको दिल्ली का वजीर बनाता, वो दिल्ली पर हमला करता, हमारा लौट लश्कर पर हमला करता, तुम मारा जाता। यानी जीत कर भी हम उनकी बात मानेंगे, दिल्ली उनके लिए छोड़ देंगे। हमारा सरदार चाहता, हमारा लश्कर चाहता। ये तो दोस्ती हुई, ये तो समझौता हुआ शहंशाह इन मराठों से, दुश्मनों से। तो मराठा होकर को अपना पितर बनाता, उसका पिसर उसका बेटा बांधता क्यों? जानता केवल उनका तो इसमें आकर बसा। हाँ, मुसलमान मुगल को मारता, वो मुसलमान मुगल की हिफाजत करता,
हम उसका बेटा मारता, वो तुमको बेटा मानता। हम नकदी के लिए, अपने इकतदार के लिए तुमको अपना हाकिम बनाता। हम मराठा पेशवे का दिल नरम करता, कबूल नहीं करता, हम जाता। तुमको सबक देता, किसके साथ रहना, उसका होकर रहना, नहीं रहना, चले जाना। जहां के इंसान को कबूल नहीं करेगा, तो वहां का खाक भी तुम्हारी हड्डी कबूल नहीं करेगा। दगा है ये। वारी जाओ हजरत आलिया, खुशखबरी लाई हूँ। क्या है? आपके फर्जंदे अर्जुमन नूरे चश्म हमारे आका नवाब शुजाउद्दौला दिल्ली से तशरीफ ले आए हैं। गुस्ल और आराम फरमाकर वो आपकी खिदमत में आ ही रहे होंगे। सरकारे आली मकाम, बुलंद इकबाल, बुलंद मर्तबा, नवाब शुजाउद्दौला, वालिये अवध तशरीफ ला रहे हैं। आदाब अम्मी हुजूर। जीते रहिए, सलामत रहिए, खुदा उम्र दराज करे। अम्मी हुजूर, तखलिया का हुक्म। तखलिया। अम्मी हुजूर, आपका कहा ना मानने की सजा भुगत करा रहे हैं। आपकी दुआ ना होती, नजीब ने हमारा कत्ल कर दिया होता। ये क्या कह रहे हैं? खुदा उस गारतगर को नापैद करे। वो नापैद नहीं होगा, वो पंजाब का हाकिम आला बनेगा। और अब्दाली ने हमें नहीं, गाजियुद्दीन को दिल्ली का वजीर बरकरार रखा है। हमें कुछ ना बनाया, और आगे जाकर पेशवा जी हमें वजीर ना बना दें। नजीब ने अफगानी सिपाहियों को रकम देकर हमारा कत्ल करवाना चाहा। हम शुक्रगुजार हैं अब्दाली के सिपा सलार बरखुदार खां के। उसे पता चल गया और उसने रकम लेकर हमें सीधा दिल्ली से यहां भिजवा दिया। गरीब की जान पर, साहिबे सरवत के माल पर। अम्मी हुजूर, एक काम हमसे अच्छा हो गया कि हमने पेशवा जी के रिश्तेदारों और कई सालारों की लाशें शाह अब्दाली से खरीद कर उनकी आखिरी रसूम अंजाम दी। बड़ा नेक काम किया।
खुदा आपके सारे फेल माफ कर देगा। पेशवा जी माफ करेंगे या नहीं कि हम बादिर नाखास्ता अब्दाली से मिल गए? पेशवा जी को मैं जानती हूँ, बहुत बड़ा दिल है उनका और बड़ी शफकत है उन्हें हमसे। फिक्र तो ये है, क्या तारीख माफ करेगी? आपने हिंदुस्तान की किस्मत ही बदल दी। बाहर से कत्लो गारत के लिए आने वालों को मराठा ताकत ही रोक सकती थी। आपका नाम जुड़ गया कि आप गैर मुल्की से मिल गए और वो पूरे पंजाब और शुमाली हिंदुस्तान का मालिक बन गया। जिस मुगल सल्तनत के आप सूबेदार हैं उसकी छाती पर फिर उस रोहिले नजीब का नाक बिठा दिया और नेक नाम पेशवा का हाथ दसवा दिया। पहले भी आपने मराठों का साथ नहीं दिया जब वे गंगा पर पुल बनाना चाहते थे और नजीब नहीं चाहता था। अपनी दानिश से हमने अवध को बचाने के लिए ऐसा किया था। अब अपनी गलती देख ली। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये पानी, ये कचरा, ये गंदगी, क्या है ये सब? अरे रे रे, ये देखो ये गोबर लीद, कब से साफ नहीं किया ये सब? छी छी छी। और इन जानवरों को एक साथ क्यों बांध रखा है? इन्हें अलग अलग नहीं बांधा जा सकता? हाँ, हालत देखिए इन जानवरों की, वो देखिए। अरे रे, यहां तो हालत और भी खराब है। देखिए, छी, आप रोज नहाते हैं, इन्हें नहीं नहला सकते? गोबर और लीद में सने हुए हैं सारे। तुम्हें बदबू आ सकती है, इन्हें नहीं आ सकती? लीद में सना चारा सूंघकर जानवर छोड़ देता है, तभी इतने दुबले हो गए हैं सबके सब। आप आइए मेरे साथ पांडोबा। कितनी सफाई है यहां, है कहीं गंदगी आसपास? रानी खान रोज अपने हाथों से नहलाता है और गोबर साफ करता है और सूखी जगह पर खड़ा करता है। वैसे तो गाय बैल को पूछते हैं, पर दशा क्या बना रखी है? यह नहीं चलेगा एक दिन भी, समझ गए आप? सुनो, ये वर्दी है ये, तुम सिपाही हो?
अपने आप को सिंधिया लश्कर का सिपाही कहते हो, भिखारी लगते हो, बिल्कुल भिखारी। ये किसके दस्ते का है उसे भेजो मेरे पास। तुम जाओ। इब्राहिम खान गार्दी ने हमें बताया था फ्रांसीसियों की छावनियां कितनी साफ होती हैं, हर काम सलीके से होता है। यही हाल अंग्रेजों की छावनियों का है। मैं चाहता हूं हमारी छावनी भी ऐसी ही हो। आपका बिगड़ना ठीक है महाराज, छावनी है ही ऐसी गंदी हालत में, मुझे भी उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। मगर मैं क्या करता, किससे कहता, इसीलिए सारा गुस्सा बेचारे जिंगिया पे निकाल देता और वो बेचारा चुपचाप सहन कर लेता। आखिर मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है ना महाराज। और फिर यहाँ कोई कहीं से आया है, ये लश्कर थोड़ी है। आप हैं तो पानीपत से निकलकर सिपाही यहाँ आकर ठहर गए। जिसका सिंह जहां समाता वो वहां पहुंच जाता। मैं गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता रानी खान। मुझे पता है महाराज, मुझे पता है, लेकिन आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं और फिर आपके जख्म भी पूरी तरह नहीं भरे हैं। आप हल्दी दूध पीकर सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा महाराज, सब ठीक हो जाएगा जी। ये लीजिए महाराज। गुस्ताखी, सरासर गुस्ताखी, उस खुदा की शान में गुस्ताखी। बाजार पर आई और ऐसा लिबास पहनकर आई हमारे कहने के बावजूद। बाबा, हमारे श्री गोंदा में हर घर में अंधेरा है, हर आंख में आंसू है, माओं की गोदे उजड़ गईं, पत्नियों का सिंदूर पुछ गया, दस दस भाइयों की बहनें अकेली रह गईं, हत्यारे अफगानियों ने सबको काट डाला, सब जगह हाहाकार है। हम जानते हैं बेटा, उसने हमें सब दिखाया था, हर जगह गर्द गुबार था, कत्लो गारत थी, जमीन लाल थी, आसमान लाल था, हर आदमी की आंखें लाल थी, और वो आफताब, वो सूरज जो आसमान में चमकता है वो सब सुखा देता है, हवा धूल धक्कड़ सब धता देती है और धरती की रेत सब पी जाती है। और बेटा, हम देख रहे हैं तेरा पति जिंदा है। कैसे देख लिया बाबा? बेटा, जो अपने आप को देखता है उसे कुछ नजर नहीं आता, और जो अपने आप को नहीं देखता उसे सब दिखाई देता है। मैंने देख लिया सुहासनी, तू सुहागन है, फिर तू ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आई? क्यों उतार दिया तुमने कुमकुम? क्यों उतार दिया तुमने अपना मंगलसूत्र? क्यों बेटा, क्यों? कुछ नहीं उतारे बाबा, सब साथ लाई हूं।
पूछने आई थी कि इन्हें पहनूं या रख लूं। इन्हें अपने साथ ले जा बेटा और पहन। अब इन्हें बताने की गुस्ताखी फिर न करना जब तक उसका हुक्म ना हो। उसका हुक्म नहीं हुआ बाबा। नहीं, पर हां तेरा पति उसके हुक्म की तामील कर रहा है। वो आएगा, घोड़े पर चढ़कर आएगा और उस ड्योढ़ी पर उतरेगा जो पुश्तैनी है। जा बेटा जा, अब कभी नहीं आना, तभी आना जब वो तेरे साथ हो। जा। सिपाहियों, हमारे कूच करने का वक्त आ गया। अगर पेशवाजी महाराज नर्मदा से चल पड़े होंगे तो चंबल पहुंचने वाले होंगे। हमें भी वहां पहुंचकर उनका इंतजार करना है। वे गुस्से में होंगे, नाराज होंगे कि पानीपत में हमने उनके बाजीराव महाराज के और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम को बट्टा लगा दिया। पर वो छोड़ेंगे नहीं, वो अब्दाली से बदला लेकर रहेंगे और हमें उनके साथ जाना है। लेकिन वे तभी साथ ले जाएंगे जब हम उन्हें दिखा दें कि हम हार कर भी जीतने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके लिए उन्हें हमारे अगले पड़ाव में हमारा बदला हुआ रूप नजर आना चाहिए। अब हुक्म सुनिए। सब जानवरों के तबेले अलग होंगे और उन्हें रोजाना साफ किया जाएगा। हर रोज पैदल सिपाही जो कपड़े हैं उन्हें ढंग से पहनकर 4 घंटे कवायद और हथियारों से मशक करेंगे। पांडुबा अत्रे से बढ़कर घुड़सवार और घुड़सवार दस्ते का सालार पेशवाजी महाराज के दस्ते में नहीं है। इसलिए जो भी घुड़सवार हैं उन्हें यह सिखाएंगे। चंबल पहुंचकर आपको पेशवाजी महाराज को अपना पड़ाव और अपनी तैयारी दिखलाकर उनके भरोसे का पात्र बनना है। कहिए आप लोग तैयार हैं? तो बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, पेशवाजी महाराज की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।